यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मचारियों की ओर से निजीकरण के विरोध में रैली निकाली गई है। रैली जीसीए कॉलेज से शुरू हुई, जो अलग अलग मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैंक को निजी हाथों में सौंपने का विरोध किया और बैंकों को लेकर आने वाले नए बिल पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। बैंक अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार मुनाफे वाले बैंकों को निजी हाथों में सौंप रहा है, ऐसे में यह काम जनता के लिए भी नुकसानदायक होगा। इस फैसले का विरोध देश भर में किया जा रहा है और इसे लेकर दो दिन की हड़ताल के दौरान वाहन रैली निकालकर गुस्सा जाहिर किया गया। अगर फिर भी फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस हड़ताल के दौरान अजमेर जिले के लगभग 225 राष्ट्रीयकृत बैंक में ताला रहा, इससे 250 से 300 करोड़ का लेन देन भी प्रभावित हुआ है। आज बैंक कर्मी सरकारी बैंकों में जो जमा पूंजी है, आम आदमी की जो गाढ़े खून पसीने की जो जमा पूंजी है, उसको निजी हाथों में न सौंपा जाए। एक अमेंडमेंट बिल जो सरकार निजीकरण का रास्ता साफ करने के लिए ला रही है, उसको उसके विरोध में आज बैंक कर्मी आमजन के हित में आज यहाँ सड़क दूसरे दिन हड़ताल पर निकले हुए हैं। सरकार से हमारी आशा ही नहीं, अपेक्षा है कि वो इस अमेंडमेंट बिल को वापस लें, जिससे सरकारी बैंक रहें, निजी बैंक अपना काम कर रही हैं, सरकारी बैंक अपना आम आदमियों के हित में सामाजिक जो उद्देश्य है सरकारी बैंकों का वो पूरा होता रहे, आम आदमी की पहुंच से बैंक दूर न जाएं, यही उद्देश्य लेकर आज सरकारी बैंक कर्मचारी सारे हड़ताल पर हैं और पूरी तरह देश भर में इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपका नाम? अरविंद मिश्रा, सह संयोजक UFBU अजमेर इकाई।